तो वहीं बालाघाट में एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जुगलबंदी देखने को मिली। यह जुगलबंदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद सामने आई है, जब दतिया में सीएम शिवराज और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मां पीताम्बरा के दर्शन किए थे। वहीं आज बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में सीएम और गृह मंत्री मंच पर एक दूसरे से काफी समय तक बतियाते हुए नजर आए। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शिव नरोत्तम की दिखाई पड़ी जुगलबंदी, मंच पर एक दूसरे से बतियाते आए नजर, भाषण में शिव नरोत्तम में दिखा साझा भाव, गृह मंत्री अमित शाह की दौरे के दौरान दिखी झलक। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। उनके दौरे के बाद सीएम शिवराज और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिल्ली दौरे पर गए थे। तभी से सूबे की सियासत में इन दोनों नेताओं के बीच गजब की ट्यूनिंग दिखाई पड़ रही है। चाहे मंच से एक दूसरे की तारीफ की बात हो या फिर मित्रता को प्रदर्शित करने का मौका, वे इस काम में कहीं भी नहीं चूक रहे। इसी तरह बालाघाट में पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के कार्यक्रम में दोनों नेता काफी समय तक मंच पर बतियाते हुए नजर आए। मंच से इन दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर दुलार भी बरसाया, और जिसमें गृह मंत्री ने सीएम को जनता की फिक्र करने वाले मुख्यमंत्री करार दिया, तो वहीं सीएम ने गृह मंत्री की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आप सबकी सदैव चिंता रखने वाले आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आप सबकी सदैव चिंता रखने वाले आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे गृह मंत्री जो लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था और जवानों की भी परिवारों की भी सुरक्षा की चिंता करते हैं, आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे गृह मंत्री जो लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था और जवानों की भी परिवारों की भी सुरक्षा की चिंता करते हैं, आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। एमपी की सियासत में आने वाले वक्त में शिव नरोत्तम की इस जोड़ी की जुगलबंदी का और भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ नगर परिषद के चुनाव समेत आगामी साल में विधानसभा के चुनाव भी भाजपा के लिए चुनौती की तरह खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बालाघाट।